वही प्रेजेंट टाइम में क्या है कि रिश्तों में जो है ना बहुत ही दरार बहुत जल्दी आ जाती है। नहीं, एक्चुअली में क्या है कि हम लोग अपने रिश्तों में आजकल गिनाते बहुत हैं। अपने जीवन साथी को क्या करते हैं, कुछ भी बात होती है तो हम उसको गिनाते बहुत हैं कि हमने तुम्हारे लिए ये किया, हमने तुम्हारे लिए ये अरेंज करके दिया, हमने तुम्हारे लिए ये कपड़े ला के दिए, हमने तुम्हें तुम्हारे सेलिब्रेशन के लिए ये किया। मतलब हम क्या करते हैं, हर एक वो चीज़ गिना देते हैं। तो आप जो कुछ भी करते हैं ना रिश्ते में गिनाने के लिए, तो वो आप अपने रिश्तों की बिल्डिंग पे मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर क्या है, प्रॉब्लम कहाँ आती है, लेकिन आपको क्या करना है, रिश्तों के बिल्डिंग पे तो काम करना ही है, लेकिन सबसे पहले आपको रिश्तों की जड़ को मजबूत करना है। तो रिश्तों की जड़ कहाँ से मजबूत होती है, यहाँ सोच से मजबूत होती है कि आप अपने जीवन साथी के बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर उसके बारे में आप पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव थॉट रखते हैं, तो आपका रिश्ता ऑटोमेटिकली क्या होगा, एकदम स्ट्रॉन्ग बनते जाएगा। नहीं, हम रिश्तों में गिनाते बहुत हैं। नहीं, हम ज़रूरतें उसका भी पूरा कर देते हैं जिसको हम जानते तक नहीं हैं। हम ज़रूरतें अपने मुलाजिमों का भी पूरा कर देते हैं। हम किसी से राह भटके रास्ते में कोई भी हो उसका भी हम लोग क्या करते हैं, ज़रूरतें पूरा कर देते हैं। तो उससे तो रिश्ता तो नहीं ना निभता है ना। देखिए, जिस रिश्ते में सिर्फ ज़रूरतें पूरा होती है वो रिश्ता निभता नहीं है, घसीटा जाता है। रिश्ता निभता है आपको असल एहसास। तो आप अपने रिश्ते में एहसास पैदा कीजिए जिससे आपका रिश्ता एकदम स्ट्रॉन्ग बनेगा। थैंक यू सो मच।